सिबनी मालवा की कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में बीआरसी के द्वारा विकास खंड स्तरीय दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें शारीरिक, मानसिक, मुखबधिर, दृष्टिहीन बच्चों ने विभिन्न खेलों में दमखम दिखाया। विजेता खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के समापन के बाद मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि संतोष पारिक ने कहा कि विकलांगता आज के परिवेश में बच्चों के विकास में रुकावट नहीं पैदा कर सकती। सरकार विकलांग बच्चों के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसका लाभ उठाकर बच्चे अपना विकास कर सकते हैं। विशिष्ट अतिथि पार्षद ईश्वरदास जमीदार ने कहा कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। दिव्यांग बच्चों ने अपने हौसलों से दिखा दिया है कि मौका मिले तो वे सामान्य लोगों से आगे निकल सकते हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए समय समय पर कैंप आयोजित कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का आह्वान किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के माता पिता का आह्वान करते हुए कहा कि वे दिव्यांग बच्चों को बोझ ना समझे। प्रतियोगिता का शुभारम्भ अतिथियों के द्वारा माँ सरस्वती का पूजन अर्चन कर किया गया। वही कार्यक्रम में सभी दिव्यांगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी बीआरसी की ओर से की गई थी। बीआरसी संतोष शर्मा ने बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें रंगोली, चम्मच दौड़, पेंटिंग प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता कराई जाएगी। वही अंत में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। किस तरह का आयोजन किया गया? दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई है, रंगोली, खेलकूद, चम्मच दौड़ आदि। अभी तक 30 बच्चों का पंजीयन हो चुका है और 2 बजे इनका जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनका 2 बजे पारितोषक वितरण किया जाएगा।